अब प्रीवियस वीडियो में हमने कंस्ट्रक्ट किया था DFA दैट एक्सेप्ट्स इवन नंबर ऑफ 1's, 0's, 0's एंड 20's. अब नेक्स्ट उसी टाइप का हम क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें हमें एक ऐसा DFA डिज़ाइन करना है जो ऑड नंबर ऑफ 1's, 0's, 0's और 20's को एक्सेप्ट करे, बट चारों अलग अलग हैं, एक साथ नहीं है. हमें चार DFA डिज़ाइन करने हैं जो ऑड नंबर ऑफ 1's को एक्सेप्ट करे, और नंबर ऑफ़ जीरोस को, और नंबर ऑफ़ एस को, और नंबर ऑफ़ बीस को. तो फर्स्ट अगर हम देखें, हमें एक DFA कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं फॉर ऑड नंबर ऑफ़ वंस. तो अगर इसकी हम लैंग्वेज देखें तो इस लैंग्वेज के अंदर कौन कौन सी स्ट्रिंग्स आएंगी, क्योंकि हमें पता है कि DFA हम डिज़ाइन करते हैं लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए. तो हमें पहले लैंग्वेज देखनी होगी कि कौन कौन सी स्ट्रिंग्स क्या हैं. लैंग्वेज क्या है? इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स. और कौन सी स्ट्रिंग्स हमें चाहिए जिसमें ऑड नंबर ऑफ वंस हो? तो ये जो लैंग्वेज बनेगी उसमें क्या होगा, वन आएगा, ज़ीरो वन, इसमें भी ऑड नंबर ऑफ वन है, वन ज़ीरो, ट्रिपल वन, थ्री टाइम्स वन है तो ऑड वंस है, इसमें भी थ्री टाइम्स वन है, इसमें भी थ्री टाइम्स वन है. तो इस टाइप की स्ट्रिंग्स रहेंगे जिसमें ज़ीरो कितने भी हो सकते हैं, ज़ीरो इवन भी हो सकते हैं, बट जो वन होने चाहिए वो ऑड नंबर ऑफ वंस होने चाहिए. अब प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको नहीं बताया था कि दो स्टेट्स ही हमने क्यों ली थी. यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि आपको क्या करना है, जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होगी इस लैंग्वेज के अंदर, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग कौन सी होगी, सिर्फ सिंगल वन. तो नंबर ऑफ स्टेट्स इक्वल्स टू क्या होता है, मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग जो भी होगी इस लैंग्वेज की प्लस वन कर दो, तो क्या आ गया, टू. क्योंकि स्मॉलेस्ट लेंथ स्ट्रिंग क्या है, वन. ये इसमें इसकी लेंथ क्या है, वन. ठीक है, इसकी लेंथ देखे तो क्या है, टू. इसकी लेंथ देखोगे तो इसकी क्या है, फोर. इसकी लेंथ क्या है, फाइव. तो हमें क्या करना है, जो स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग है वन, इसमें इसकी लेंथ क्या है, वन. तो हम करेंगे वन प्लस वन, तो कितनी स्टेट्स हो गई, टू. तो हमें टू स्टेट्स बनानी होगी इस DFA में. आगे हम देखेंगे और एग्जांपल्स भी जिसमें तीन स्टेट्स भी होंगे, चार भी होंगे, बट हम हमेशा क्या करेंगे, जो मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग होगी उसमें प्लस वन कर देंगे, उतनी नंबर ऑफ स्टेट्स DFA में होंगी. तो इनिशियली आपको क्या करना है, Q0 इनिशियल स्टेट ली हमने, आगे एरो लगा दिया है हमने, इसका मतलब ये इनिशियल स्टेट है. तो सबसे पहले हमने Q0 स्टेट बनाई, इसमें क्या दिया हमने, इनपुट वन, तो हम Q1 स्टेट पे आ गए. अब देखो Q1 में मैंने डबल सर्कल किया है. क्यों डबल सर्कल किया है, क्योंकि सिंगल वन भी एक्सेप्ट हो जाना चाहिए इस DFA से, क्योंकि सिंगल वन का मतलब होता है ऑड नंबर ऑफ वन. तो हमने Q0 से वन का ट्रांजिशन दिया और Q1 पे आ गए, और Q1 पे डबल सर्कल कर दिया क्योंकि ये एक्सेप्ट हो जाना चाहिए. अब क्योंकि ये DFA है तो Q0 पे ज़ीरो का ट्रांजिशन भी शो करना पड़ेगा. तो आपको देखना क्या है, हर क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या करोगे आप उसी सेम स्टेट पे लूप लगा के देखो, जो भी इनपुट सिंबल रह गया है उससे आप उसी स्टेट पर ट्रांजिशन करके देखो, सेल्फ लूप लगा के देखो. अगर वो एक्सेप्टेबल है तो आप सेल्फ लूप ही रहने देना, अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप दूसरी स्टेट पे मूव कर सकते हो. तो Q0 पे अगर मैं ज़ीरो का ट्रांजिशन देती हूँ तो ये एक्सेप्टेबल होगा, होगा. क्यों, देखो आगे कितने भी ज़ीरो हैं इस स्ट्रिंग में, देखो ज़ीरो ज़ीरो दो बार आया, तो Q0 को मैं ज़ीरो दूंगी तो Q0 पे ही पहुँचूंगी, फिर से ज़ीरो दूंगी तो Q0 पर ही पहुँचूंगी. तो ऐसा भी हो सकता है स्ट्रिंग में. तो सबसे पहले यही करना है, पहले जो ट्रांजिशन देना चाहते हो आप, पहले उसको उसी स्टेट पे लूप बना के देखो, अगर वो एक्सेप्टेबल है तो उसको वैसा ही रहने दो. तो क्योंकि Q0 पे ज़ीरो देने पे भी स्ट्रिंग करेक्ट हो रही है, तो मैं Q0 पे सेल्फ लूप दूंगी ज़ीरो का. अब Q0 कंप्लीट हो गया, इसमें ज़ीरो का ट्रांजिशन भी हो गया, वन का भी. अब हम Q1 पे देखेंगे, सिमिलरली Q1 पे अगर हम ज़ीरो का ट्रांजिशन सेल्फ लूप का दें, क्योंकि पहले उसी स्टेट पे हमें ट्राई करना है, तो अगर मैं Q1 पे ज़ीरो का ट्रांजिशन देती हूँ तो क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल होगी, यस. क्यों, क्योंकि देखो एक ज़ीरो आया, फिर वन आया, फिर ज़ीरो आया, तो ये ज़ीरो से हम Q0 पे पहुँचे, वन से हम Q1 पे पहुँचेंगे, और ज़ीरो से हम क्या पहुँचेंगे, Q1 पे. तो ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्टेबल है. इसे भी कह सकते हो लास्ट में कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज भी आए और स्टार्टिंग में कितने नंबर ऑफ़ भी ज़ीरोज़ आए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अब नेक्स्ट Q1 का हमें वन का ट्रांजिशन देखना.
पहले मैं देखूंगी क्या q1 पे मैं सेल्फ लूप दे सकती हूँ 1 से. अगर मैंने q1 पे 1 दिया तो ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एनी नंबर ऑफ 1's. ठीक है, अगर सेल्फ लूप में मैंने 1 लिख दिया तो ये रिप्रेजेंट करता है कितने नंबर ऑफ भी 1's हैं. क्या हम ये अलाउ कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ 1's भी 1's जो हैं वो एक्सेप्ट हो जाएँ क्योंकि हम फाइनल स्टेट पर हैं? ऐसा नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि ऑड नंबर ऑफ 1 ही होने चाहिए. तो मैं 1 से q1 का ट्रांजिशन नहीं कर सकती हूँ, उस पर सेल्फ लूप नहीं लगा सकती हूँ. तो q1 पे तो नहीं कर सकते. अब मैं इसकी प्रीवियस स्टेट पे देखूंगी कि अगर मैं 1 का ट्रांजिशन करूँ तो ये करेक्ट हो जाएगा. तो मैंने q1 से ट्रांजिशन 1 का q0 स्टेट पे दिया. तो q0 पे अगर 1 आया तो ये करेक्ट है. देखें क्या अभी भी ये ऑड नंबर ऑफ 1 को एक्सेप्ट करेगा. अगर सपोज स्ट्रिंग है हमारी 0 1 1 1, ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जानी चाहिए. तो हमने पहले q0 पे 0 दिया तो हम q0 पे स्टेट पे आ गए. फिर 1 इनपुट दिया q0 पे तो हम q1 पे आ गए. अब हम q1 स्टेट पे हैं. q1 स्टेट पे हमने 1 दिया तो हम q0 पे आ गए. q0 पे 1 दिया तो हम q1 पे आ गए. ठीक है, तो इस टाइप से ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल होगी, यानी कि हमने जो अभी DFA बनाया है वो करेक्ट है. तो इनमें से आप कोई भी स्ट्रिंग देख रहे हो, जैसे 111 आया तो हम हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं? q0 का. अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो एक्सेप्टेंस ऑफ स्ट्रिंग का वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि DFA कैसे किसी स्ट्रिंग को बताता है कि वो एक्सेप्ट हो गई या इस लैंग्वेज से बिलोंग करती है कि नहीं करती है. तो अगर 111 है तो q0 पे हम पहले q0 पे हम 1 देंगे तो हम q1 पे आ जाएंगे. q1 पर दूसरा 1 देंगे तो q0 पे, और तीसरा 1 देंगे तो q1 पे. और q1 फाइनल स्टेट है इसीलिए ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी. चलो हम 4 1's देख लेते हैं. ये तो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए. तो हमने q0 से स्टार्ट किया, पहला 1 दिया तो q1 पे, दूसरे 1 से q0 पे, तीसरे 1 से q1 पे, चौथे 1 से q0 पे. क्या q0 हमारी फाइनल स्टेट है? नहीं है, इसीलिए ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी. तो ये जो हमने DFA बनाया ये हमारा फाइनल DFA है. अब आप लोग देखो कि आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये फाइनल डायग्राम बनाना है. ये तो आपको समझाने के लिए मैंने बताया था कि कैसे हो रहा है. आपको ये फाइनल डायग्राम बनाना होगा. और आपको पता है कि DFA जो है वो 5 टपल्स होते हैं, q, σ, δ, q0 एंड कैपिटल F. तो आपको इन सब की वैल्यूज़ बतानी पड़ेगी. q क्या होगी? q इज़ द सेट ऑफ स्टेट्स. कौन कौन सी है? q0, q1. सिग्मा क्या है? 0 और 1 इनपुट सिंबल्स. और q0 क्या है? इनिशियल स्टेट. और F क्या है? q1, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स. और डेल्टा फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ट्रांजिशन टेबल से. तो वो ट्रांजिशन टेबल भी बनाना होगा आपको. और ट्रांजिशन टेबल क्या बनाएंगे? q0 के आगे एरो क्यों लगाया? क्योंकि ये इनिशियल स्टेट है. और q1 में सर्कल क्यों लगाया? क्योंकि ये फाइनल स्टेट है. तो q0 पे जब हम 0 का इनपुट दे रहे हैं, q0 पे जब हम 0 का इनपुट दे रहे हैं, हम कहाँ पहुँच रहे हैं? q0 स्टेट पे. सिमिलरली q0 पे जब आप 1 इनपुट दे रहे हो तो हम कहाँ पहुँच रहे हैं? q1 पे. और q1 पे जब हम 0 दे रहे हैं तो हम q1 स्टेट पर ही हैं. और जब q1 पे हम 1 दे रहे हैं तो हम कहाँ पहुँच रहे हैं? q0 स्टेट पे. तो इस टाइप से ये ट्रांजिशन डायग्राम भी आपको बनाना है. अब सिमिलरली अगर आपसे आगे ऑड नंबर ऑफ 0's बनाओ तो ये जो फाइनल हमारा DFA है इसमें जहाँ पर 1 है यहाँ पर 0 आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पर 0 आ जाएगा और जहाँ 0 है वहाँ 1 आ जाएगा. तो सिंपली क्या हो जाएगा? यहाँ रिप्लेस 1/0 एंड 0/1. अगर ऑड नंबर ऑफ a's बोलते हैं तो जो ये लूप है इसके अंदर a आ जाएंगे और बाकी सिंबल्स का सेल्फ लूप बन जाएगा. अगर ऑड नंबर ऑफ b's है तो यहाँ लूप में b आ जाएगा और a का सेल्फ लूप आ जाएगा. तो क्वेश्चन किसी भी टाइप से आए, ऑड नंबर ऑफ 1's के लिए बना, ऑड नंबर ऑफ 0's के लिए बना, ऑड नंबर ऑफ a's के लिए या ऑड नंबर ऑफ b's के लिए, आपको याद क्या रखना है कि लूप कंटेन्स सिंबल दैट वी वांट इन ऑड नंबर. इवन नंबर वाले में भी हमको जिसे इवन बनाना था लूप में रखा था, लेकिन वहाँ पर q0 जो थी वो फाइनल स्टेट थी, यहाँ पर q1 जो है वो फाइनल स्टेट है. ठीक है, तो आप डायग्राम बनाना, ट्रांजिशन टेबल बनाना, और DFA में कैपिटल Q क्या होगा, सिग्मा क्या होगा, q0 क्या होगा, कैपिटल F क्या होगा, और ये सब आपको डिफाइन करना होगा, तभी ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा.